कल 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और अब देखना ये होगा कि हरियाणा की जनता किसकी सरकार बनाने जा रही है। अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें तो उन्हें मुख्यमंत्री बने मात्र 6 महीने ही हुए हैं और इन 6 महीनों में हरियाणा में 2 बार आचार संहिता भी लग चुकी है, जिससे उन्हें 6 महीने से भी कम समय मिला है। अब लोगों में मुख्यमंत्री नायब सैनी को लेकर क्या चर्चाएं हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सीएम बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्ति है, जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला है और सीएम ने थोड़े से कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी में नए आयाम स्थापित किए हैं और उनकी जो सोच है वो सभी समाज के लिए एक समान है, इसलिए नायब सैनी को दोबारा से सीएम बनाना है। बीजेपी सरकार है जो इसने 90 के 90 हलकों में समान विकास कार्य किए हैं, ऐसा एक भी हलका नहीं है जहाँ पर मान बीजेपी सरकार ने ग्रांट ना दी हूँ। तो नायब सैनी जी और भी बेहतरी से काम कर रहे हैं, इन्होंने योजनाओं को बिल्कुल सुलभ बना दिया है और दिन रात मेहनत करके 36 की 36 बिरादरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत नेक और ईमानदार सीएम हरियाणा को मिला है और हम तो यही चाहते हैं दूसरी बार फिर इसी को बनाया जाए। नायब सैनी के राज में नौकरियाँ बिना खर्ची और बिना पर्ची के लगी हैं, जैसे अब मान के चलो दूसरी सरकार आती है तो वहाँ पर पहले अपना पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा बैगों का, जब जाके कोई नौकरी मिलेगी। लेकिन मेरी तो जनता से यही अपील है, भारतीय जनता पार्टी एक नेक और साफ नीति की सरकार है, बिना खर्ची और बिना पर्ची की सरकार है, सीधा आदमी तक सीधा लाभ पहुँच रहा है, चाहे कोई भी आदमी है। मुख्यमंत्री कम है से भाई पूरा हरियाणा खुश है, बहुत बढ़िया ईमानदार मुख्यमंत्री है, रात ना भी फोन कर लियो रात ना भी ठावागा। अरे चंडीगढ़ जाकर ऐसा काम कर दिया, पहले जितने भी 10 साल तक पहला मुख्यमंत्री बने हैं गेट भी नहीं खोला दे, ईब थोड़ा जाकर देख मंजे डारा खेने आप सैनी ना ओठा भाई सब, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हरियाणा इस मुख्यमंत्री का खुश है, दिन जाओ रात जाओ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना गई। 90 के 90 विधानसभा में नायब सैनी ने यह नहीं देखा अभी ये कांग्रेस का या बीजेपी का, सारे विधायकों का ग्रांट दे यार काम बने 90 के 90 विधानसभा में। पहला राज में भाई रोहतक में विकास करवा लियो भाई, ओठा का सीएम ओठा काम करा लियो या फलानी जगह का सीएम ओठा काम करा लियो। या मुख्यमंत्री ऐसा है इन्हें कोई मतलब नहीं किसी का, इन्हें देश की सेवा करनी है, हरियाणा की सेवा करनी है, 90 के 90 विधानसभा में पूरा तन मन धन तक लेना कार्य करे। नायब सैनी बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री है, ऐसा मुख्यमंत्री हमें कभी नहीं मिलेगा जो नौजवान साथियों के लिए सोचते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची। मैं तो सभी से नौजवान साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो अपने भविष्य में नौकरियों की वो कर रहे हैं, एक तो पैसे दे के नौकरी लगना, जो आजकल युवा साथी अपने बाहर कनाडा अमेरिका जा रहे हैं वो किसकी वजह से जा रहे हैं, वो अपने नौकरियों की वजह से जा रहे हैं। पहले हमने नौकरियां लेनी पड़ती थी पैसों के साथ, अब नौकरियां मिल रही हमने बिना खर्ची बिना पर्ची के। हम सभी नौजवान साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे हमें मुख्यमंत्री ईमानदार छवि का चाहिए, जो नायब सैनी है वो सभी 36 बिरादरियों के बारे में सोचता है, सभी को एक समान मानता है, अपना छोटा भाई को छोटा भाई की तरह रखता है, वो सबसे बढ़िया ईमानदार है। वो 56 दिनों में जो उसने कार्य किए हैं वो ऐसा आज लग